शारदीय नवरात्रि को लेकर मूर्तिकार विशेष रूप से उत्साहित रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कारण, मूर्तिकारों की महीनों की मेहनत और पूरी तन्मयता से मूर्तियां गढ़ने के बाद भी उनकी मूर्तियां नहीं बिक पाते। इस कारण कई मूर्तिकार बची हुई मूर्तियों को दान कर देते हैं या फिर विसर्जित कर देते हैं। मूर्तियां न बिक पाने का कारण बाजार में POP की मूर्तियां उपलब्ध होना और धड़ल्ले से बिकना है, जबकि POP की मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और इनके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। लेकिन प्रशासन इस प्रतिबंध को केवल कागजों में ही लागू किए हुए हैं। धरातल पर POP की बनी मूर्तियों की बिक्री को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। शहर में मूर्तियां बना रहे सीताराम ने बताया कि 110 मूर्तियां बनाई है, करीब आधी मूर्तियां ही बिक पाई है। बाहर से मिट्टी भी मंगवाते हैं, इसके अलावा श्रृंगार सहित अन्य सामग्री पर भी खर्चा होता है। मेरे पास 3000 से लेकर 18000 तक की मूर्तियां हैं। इस समय आधी मूर्तियों की बुकिंग है। ऐसे में यदि मूर्तियां नहीं बिक पाती है तो या तो इन्हें दान कर देते हैं या फिर विसर्जित कर देते हैं। नगर पालिका के लोग आए थे और एक कागज दे गए जिसमें POP की मूर्तियां न बनाने को कहा गया था। हमको तो नोटिस देकर POP की मूर्तियां बनाने से रोकते हैं, पर नगर के बीचों बीच गांधी पार्क पर धड़ल्ले से मूर्तियां बिक रही है। इन POP की मूर्तियों के कारण हमारी मूर्तियां नहीं बिक पाती। यहाँ कितनी मूर्तियां तैयार की? 110 मूर्ति बनाई सर। 110 और सारी बुक हैं आप? नहीं तो आधी बुक है, कुछ खाली है। कुछ खाली है। तो ये मिट्टी कहाँ से लाया? मिट्टी बाहर से मंगाते हैं, कुछ लोकल से लाते हैं। लोकल से कितने की पड़ जाती है एक मूर्ति? एक मूर्ति में लागत लग जाती है कम से कम 5000 4000 रुपये लग जाती है। लागत लग जाती है। तो ये आपका मान लो कोई मूर्ति बचती है, क्योंकि आपकी मूर्ति कितने की? एक करीबन हमारे पास 3000 से लेके 15000 18000 तक मूर्ति। अब मान लो कोई मूर्ति बच जाती तो फिर उसे क्या करते हैं? उसे या तो दान में दे देते हैं, नहीं तो फिर विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कर देते हैं। तो ये मिट्टी की आप मूर्तियाँ POP तो नहीं लगा रहे? POP नहीं लगा रहे सर, वही तो बोल रहा हूँ। ये कागज दिया था मेरे को नगर पालिका नगर निगम ने, तो ये POP की बना लें, इसलिए ये मूर्ति रुक रही। मिट्टी में इतनी मेहनत होती है, ये कागज दे के चले जाते हैं और हम मिट्टी की बनाते हैं, उसमें कोई नहीं। तो कहीं POP की बनते देख रहे हो आप या बिक रही हैं? बहुत सारी POP की बाहर गांधी पार्क पर बहुत मूर्ति रखी है। सब POP की है। हमको नोटिस दे जाते हैं और मिट्टी में लगा जाते हैं। मूर्तिकार सचिन योगी ने बताया कि हमने 45 मूर्तियां बनाई है, आज सभी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएगी। एक मूर्ति बनाने में करीब 6,000 से 7,000 रुपए का खर्च आता है। करीब 3.5 माह पहले से मूर्तियां बना रहे हैं। 9-10 हज़ार रुपए में मूर्तियां बिकती है, इसमें दुकान का खर्च लेबर खर्च भी लगता है, इस कारण केवल मेंटेनेंस ही चल पा रहा है। कितनी मूर्तियां बनाई हैं आपने? 45 मूर्ति। तो ये सब मूर्तियां आपकी बुक हो चुकी हैं? हाँ सब मूर्ति बुक है। ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? ये अपनी आज कंप्लीट हो जाएंगी, आज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और कल से ये बिकना शुरू हो जाएंगे, उठना शुरू हो जाएंगे। एक मूर्ति में कितना खर्चा है आपका? 6-7 हज़ार। तो ये कितने दिन से बना रहे हो मूर्तियाँ? साढ़े तीन महीने से। तो ये दुकान का किराया और लेबर वेबर ये निकल जाता है सब आपको? महंगाई है ना उस हिसाब से, महंगाई कम ही बच पा। एक मूर्ति कितने की बेचते हो आप? अपनी जा रही है वो 9-10 हज़ार रुपये। 9-10 हज़ार रुपये की और लागत आ रही है 7-7.5 हज़ार। तो इसमें मतलब आपका सिर्फ मेंटेनेंस चलता है? फिलहाल कल से शुरू होने जा रहे नवदुर्गा पर इन मूर्तिकारों के चेहरे पर कितनी मुस्कान आती है, ये तो मूर्ति की बिक्री ही बताएगी। ग्रामीण भारत TV के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।